खबर समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत राज जहांगीरपुर वार्ड नंबर 1 व 2 में करीब 5 दिनों से नल जल योजना से मिलने वाला पानी बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों के बीच पीने के पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इससे आक्रोशित लोगों ने इलमास नगर पेट्रोल पंप के पास सैकड़ों की संख्या में पहुँच कर समस्तीपुर बहेरी मुख्य पथ को कई घंटों तक जाम रखा, जहां उपस्थित लोगों ने खानपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। उपस्थित लोगों ने बताया कि पंचायत चुनाव हारने के बाद पूर्व जन प्रतिनिधियों के द्वारा बार बार 7 निश्चय योजना के तहत मिलने वाले पानी को बंद कर दिया जाता है, जिससे लोगों के बीच पीने की पानी को लेकर गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे आक्रोशित लोगों ने आज इलमास नगर पेट्रोल पंप के पास मुख्य सड़क को कई घंटों तक जाम रखकर वीडियो को बुलाने की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद पहुंची वीडियो गौरी कुमारी ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खाली करवाया, जिसके बाद उक्त वार्ड में पहुंचकर जांच कर पूर्व से बिजली बिल का बकाया राशि 24,907 रुपए की भुगतान वार्ड सदस्य रूबी कुमारी को अभिलंब करने को कहा गया है। फिलहाल जनरेटर की व्यवस्था कर पानी चालू करने को कहा गया है। बिहार की आवाज न्यूज के लिए समस्तीपुर जिला के खानपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। रीडिंग करता तो मैं बताता हूँ तो देखा ना, हम बता रहे मैं दो चीज बतबे फॉल्ट है बिजली विभाग बस समझ गए, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। इससे पहले तो सूचना मिलना चाहिए या गठन का मीटिंग हुआ, ठीक है कागज पढ़ेंगे, कागज पढ़ेंगे होता था पहले बट अपने कोई दस्तखत दूसरे हम लोग को भी जानकारी भी नहीं है। सच्चाई यही है, सचिव कौन है, कोई दस्तखत सचिव पूनम देवी और अनुरक्षक हम आपने अनुरक्षक आप ही हैं, अनुरक्षक किसी और को बुलाना चाहिए। कौन से जो सड़क आज जाम किए हैं आप लोग? जहांगीरपुर पंचायत 1 और 2 नंबर वार्ड में जो बोरिंग का प्रावधान आया, 1 बोरिंग गाड़ा गया जिसमें कभी भी पानी सुचारू रूप से नहीं चला, जिसके कारण आदमी का मृत्यु एकदम बढ़ते जा रहा है। कल भी 2 आदमी का मृत्यु हो गया पानी के बगैर से, 3 दिन से पानी बंद है। बोरिंग वाले बोलते हैं, वार्ड मेंबर साहब जो हमारे ज़मीन में हैं हम नहीं चलाएंगे। मुखिया जी कहते हैं जो पैसा बाकी है 2 साल का 50 लाख रुपया वो पैसा पेड नहीं हुआ, बिजली वाला लाइन काट दिया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ का वीडियो पूरा भ्रष्टाचार है, मुर्दाबाज है। आकर के वीडियो सारा फाइल सुधारे तो कुर्सी पर बैठने का हक है, नहीं तो वरना अपना घर जाए। जो पूर्व में मुखिया थे उनकी हार हुई है क्या? उनकी हार हुई है, पुराने मुखिया की, नया मुखिया अभी शपथ ग्रहण में नहीं आए, फिर भी वो 10,000 रुपये पिठवाए और बिजली जोड़वाने के लिए पैसा भी रिटर्न कर दिया गया और जनता को पानी के लिए एकदम मार मार के एकदम 2 लाश अभी भी हमारे गांव में पड़ा हुआ है 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर में। क्या कारण है कि आपको लग रहा है कि ये हार का कारण है, जिसके कारण हार का कारण है? ये लोग सिर्फ घोटाला किए हैं, 20 साल से मुखिया रहे हैं, 20 साल का फाइल दे और क्यों ऐसा किए हैं? दो बोरिंग का प्रावधान था, 1 बोरिंग क्यों गला और वो भी कभी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। कब से पानी बंद है आप लोग? पानी तो बराबर ही बंद रहता है, 3 दिन से बिल्कुल बंद है, जिसके कारण आदमी तड़प तड़प के मर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गणेश सिंह हुआ, वार्ड नंबर 2 जहांगीरपुर पंचायत जहांगीरपुर। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन? प्रशासन से ये सारी फाइल को सुधार करके अप टू डेट चले। महंगाई को लेकर के सरकार हमसे पैसा ले रही है, उसी पैसा को सरकार हमको सुविधा दे रही है और यह प्रशासन लोग कुर्सी पर बैठ के मजे मार रहे हैं, जनता को तरपा तरपा के मार रहे हैं। जो सड़क जाम किए हैं आज, समस्या ये है कि आज 3 रोज से बंद है पानी, हम लोगों को पानी बंद है और मुखिया के बदलाव के कारण ये मुखिया जी सारा जो है वीडियो से ताल मिल करके आइए सब काम कर रही है। हाँ, अब मान लीजिए हम लोगों को कोई प्रतिनिधि बने, कोई बने, हम लोगों को जहाँ बढ़िया बुझाया वहाँ वोट दिए, आई वोट के लेकर के ये जो आज हम लोगों को पानी बंद किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद दोनों मिली भगत है। हाँ, हम लोगों का कहना है कि वीडियो के यहाँ से बदलाव किया जाए, ये वीडियो जब तक रहेगा तब तक ये समस्या बनते रहेगा। हम लोग कितना इस पर लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ बार बार इस तरह से हो रहा है। नल का योजना है वो तो सरकार, सरकार की योजना है, कर आज मेरा संपत्ति है, हमको मन है चलाएंगे चाहे नहीं चलाएंगे। ये चला ये बोल रहे वार्ड का सदस्य 2 नंबर वार्ड का, जो मेरे जमीन में है, मेरे जमीन में है, वो हार गया है अभी नहीं है, उनका ग्रुप का मुखिया थे वो हार गए, इसके लिए इस तरह से हो रहा है। प्रशासन ये कह रहे हैं कि हमको वहाँ बोरिंग चालू कराइए और हमारा जो है वीडियो को यहाँ से ट्रांसफर कराइए।
वीडियो को यहाँ से बदलाव कीजिए। जब तक वीडियो रहेगा तब तक मिली भगत से ही हम लोग को परेशान करते रहेंगे। कौन सा प्रखंड हुआ? हम लोग पर खानपुर हुआ, पंचायत जहांगीरपुर हुआ। कितने वार्ड की समस्या? एक दो। क्या नाम आपका? सुरेंद्र राम।